हेलो गाइस, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 9 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आशा यादवन को दूध पिला रही है और मैंने खाना वगैरह बना के फ्री हो चुकी हूँ और अब निकालूँगी मैं यहाँ की झाड़ू। इस आंगन की सारे घर की निकालनी है, मतलब रसोई की, आंगन की, कमरे की, सब जगह की। हेलो गाइस, तो सुबह के बज गए हैं 10 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल में। हमने खाना खा लिया है और बर्तन साफ़ कर दिए हैं, सारे किचन साफ़ कर दिए, बिल्कुल बर्तन साफ़ हो गए हैं और अब मैं करूँगी पीसना। तो बहुत बोरिंग काम है पीसना करना, तो लगते हैं पीसना करने के लिए। मैंने ले लिया पाटड़ी, इस पे बैठ के करूँगी। यहाँ पे बैठ के इसमें डालूंगी गेहूँ पीसना के और ये बिछा लेती हूँ कट्टा। इनमें गेहूँ में तुम बैठ गई हो पीसना करने के लिए। हेलो यादू, क्या कर रहे है? हेलो है? गाइस, वन सिखाएगा अभी। हेलो गाइस, तो दोपहर के बज गए हैं 4। दोपहर होंदी होगी 4, तो अब शाम हो जाए, तो शाम के बज गए हैं 4 और निशा कर रही है प्रेस। 4 अभी बजे नहीं है क्योंकि अभी लाइट है, थोड़ा टाइम है 4 बजने में। निशा कर रही है प्रेस और हमारा याद यहाँ पे खेल रहा है। हेलो हेलो, देनिशा मैं कितनी ऊपर फोन कर लियो नो यार कर देख ले। हेलो, दे समो फोन दे दे के मिला कर ले हूं। गाइस, शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं खाना बना के आ गई हूं निशा के घर पे और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे काम। वंस को और ये खांसी, तो आज इसको दवाई देंगी। सुबह दी थी इसको स्कूल में जाते टाइम, अब फिर रात को भी दे दूंगी। और यादवन यहाँ पे आराम से बैठा है कंबल के अंदर। हाँ बैठा रहे चुपचाप। और
निशा अभी कपड़े उतारेगी और हमारे घर की लाइट ऑन करके आई थी मैं, अब लाइट आ गई तो ये ऑन होगी। और निशा बना रही है यहाँ पे रोटी, बना ली ना बैठा बन गई ये लास्ट रोटी है निशा की। और आज हमने बनाई है घिया की सब्जी जो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाई थी, घर पे लगी हुई घिया तो हाँ दिखाई थी रे, तो उस घिया की सब्जी आज बनाई है। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर, जय श्री श्याम, गुड नाइट।